नाजरीन बदजात की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा। और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाज़रीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा। और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाज़रीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा। और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाज़रीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा। और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने
अपने घर के दुश्मन से मार खाई है, तो भाभी बेगम को अंश बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है। दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है। वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा, और जब वली की वालदा अंश के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंश वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है, तो भाभी बेगम को अंश बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है। दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है। वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा, और जब वली की वालदा अंश के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंश वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है, तो भाभी बेगम को अंश बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है। दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है। वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा, और जब वली की वालदा अंश के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंश वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है, तो भाभी बेगम को अंश बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है। दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है। वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली
इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा और जब वली
की वालदा अंस के पास जाएगी, उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा। और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी, उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा। और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी, उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा। और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी, उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी
किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाज़रीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा, और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है, तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है। दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है। वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा। तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाज़रीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा, और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है, तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है। दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है। वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा। तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाज़रीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा, और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है, तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है। दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है। वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा। तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाज़रीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा, और जब वली
की वालदा अंस के पास जाएगी, उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाज़रीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा। और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी, उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाज़रीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा। और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी, उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाज़रीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा। और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी, उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी
किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा, और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है, तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है। दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है। वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा। तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा, और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है, तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है। दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है। वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा। तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा, और जब वली की वालदा अंस के पास जाएगी उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है, तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है। दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है। वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा। तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आज की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे वली की वालदा लैला बेगम बिया को फोर्स करेगी और चाहेगी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी सरफराज से करवा दे, और दूसरी जानब वली को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मगर वली का चचा अकबर हुसैन वली को जेल से रिहा करवा लेगा, और जब वली
की वालदा अंस के पास जाएगी, उससे वली की खैरियत दरियाफ्त करना चाहेगी और ये मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, कौन है वली का दुश्मन। जिस पर अंस वली की वालदा भाभी बेगम से कहेगा कि वली सारी दुनिया से लड़ सकता है मगर जब दुश्मन घर में मौजूद हो तो उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, वली ने अपने घर के दुश्मन से मार खाई है। तो भाभी बेगम को अंस बता देगा कि दानियाल ने ये सब कुछ किया है, दानियाल ने वली को सबके सामने रुसवा किया है, वो प्लाजा जो गिरा उसमें भी दानियाल का हाथ था। और आप देखेंगे बहुत ही होशियारी के साथ दानियाल एनी की बेहुदा तस्वीरें वायरल करवा देगा, जिसके बाद खुद एनी से पीछा छुड़वा लेगा, तो एनी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो नाजरीन क्या हुदा और दानियाल की शादी के बाद एनी दानियाल को माफ कर पाएगी या नहीं? क्या एनी भी दानियाल से इंतकाम लेगी? और क्या वली इन सब मुश्किलात से निकल पाएगा और बिया के साथ शादी कर पाएगा, या फिर बिया की शादी सरफराज से हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।